गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको लेके आई हूँ जयप्रकाश डेयरी फार्म पे। यहाँ से हम लोग दूध लेके जाते हैं। काफ़ी अच्छा सा वेदर है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मैं आपको दिखाने आई हूँ आज राजस्थान के फार्म। राम राम। I'll show you the 360 degree angle. हाँ बैठे सी एक टूटे पड़े हो तो है वो जो मिर्ची को। अच्छा अबार जब को अबार तो एक वो मेरे ख्याल वो हो नंदी हो बैठे सी बार ने रोज रात ना आयो होगो। अब आ गए हैं हम कुछ बर्ड्स के घर के पास में, बर्ड्स नेस्ट। हाँ हम लोग शहरों में आर्टिफिशियल लगाते हैं या फिर ला करके। अब यहाँ देखिए एक नेस्ट में एक बर्ड आ रही है बार बार, आपको अगर दिखाई दे रही हो तो। मैंने जूम करने के बाद में इसमें वो क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आई थिंक यू कैन सी इट। हाँ सी हाउ नेचुरल इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ये सुबह सुबह की चहचहाट और ये देखिए चिड़ियाँ लगी हुई हैं। येलो कलर की बर्ड्स हैं एंड सॉरी टू से आई जस्ट डोंट नो द नेम ऑफ दीज बर्ड्स और बहुत सारी हैं। ये देखिए मैं आपको इस नेस्ट के एकदम क्लोज लेके आई हूँ और ये सनलाइट की वजह से इतना दिखाई भी नहीं दे रहा है। मन लगा मैंने बठिन जानो चाहिए जना साइड में। हाँ तो गेली खेलती है। ये देखो बाजरे के बीच से चलने का जो एक्साइटमेंट जो मज़ा है वो भी मैं आज आपको मौका दूंगी एंजॉय करने का। सी व्हाट एन एडवेंचर। चलिए यहाँ से शायद हमें सही एंगल मिलेगा। ओह मैं इसको ज़्यादा आगे आ गई। ये देखिए ये देखो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इनका। इसमें जयप्रकाश जी बता रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर के जो नेस्ट हैं आपको अगर दिखाई दे रहे हो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इनको बनाया जा रहा है और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तो इस तरह से इस घोंसले में नीचे की तरफ पूंछ जैसा बनेगा और ये इनका एंट्री और एग्जिट गेट है। ठीक है अब ये जो जिस बाजरे में हम खड़े हैं इसके पत्ते के यहाँ से एग्जैक्टली दिखाओ मैं दिखाती हूँ यहाँ से साइड का रेशा निकालते हैं वो लोग और उसको ले जा कर के वो अपना नेस्ट बिल्ड बना करती हैं। और जब ये सूख जाएगा थोड़े से धूप में तो ये ग्रीन कलर से चेंज हो करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये शायद इसी मंथ में इसमें इनकी ब्रीडिंग पीरियड है और ये उसी के लिए ये घर तैयार कर रही हैं बच्चों के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये पूरी फैमिली यहाँ से मूव कर जाएगी और ये नेस्ट ऐसे ही खाली के खाली रह जाएंगे। माय गॉड आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन माय लाइफ। व्हाट अ सिनेरियो। ये देखो जहाँ देखो वहीं पे है और पूरी मेरे को लगता है कि एक कम्युनिटी है यहाँ पे और सब में कंपटीशन लगा हुआ है कि किसका घर सबसे सुंदर है। और मज़ेदार बात ये है कि आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमें जैसा ये बाहर से लग रहा है ये ऐसा अंदर से नहीं है। अंदर ये लोग इसको इस तरह से प्लास्टर कर लेती हैं काउडंग से कि अंदर एकदम ही प्लास्टर हो जाता है और बारिश वारिश में इसको बिल्कुल भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती है बर्ड को और इनको बिल्कुल भी पानी भी नहीं लगता। वाकई में बहुत सुंदर बनाया है इन लोगों ने। काफ़ी क्रिएटिव होती हैं ये
और बहुत पेशेंस है इन लोगों में। देखिए अब मेरे मोबाइल का कैमरा जूम करने पे वो क्लियरिटी नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू एवरीथिंग फ्रॉम वेरी क्लोज। माय गॉड, सी हाउ बिजी दे आर प्लेइंग एंड एवरीथिंग। आई थिंक दे आर गेटिंग समथिंग फॉर देयर न्यू बॉर्न बेबीज। यस, हियर इट इज। इस पेड़ पे तो बता रही हूँ ना मैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घोंसले ही घोंसले बने हुए हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं इन चिड़ियों की चहचहाट, इनकी एक्टिविटीज़ ब्यूटीफुल। ये देखिए, मैं कुछ मिर्ची के पौधे टूटे हुए थे उन्हें लेके आई थी और ये बकरी का बच्चा उन मिर्ची के पौधों से पत्तियां चूट चूट के खा रही है। अरे वाह, सो स्वीट। इसके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, नाउ इट्स 8:12, तो नाश्ता तो बनता है। अरे भाई इसे छोड़ दे। ये देखिए, कुछ छोड़े हुए घोंसले थे वहाँ पे, उन्हें हम तोड़ के लाए हैं। पक्षी इतने प्यार से बनाते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी घोंसले को मत तोड़िए जब तक कि वो छोड़ा हुआ ना हो, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। बेबी गोट है जिसको हम आज फीड करेंगे। ये देखो, लुक एट दिस। ये इसकी मम्मी के दूध से इसका पेट नहीं भरता और इसको पिलाना मुश्किल हो रहा है। देखो कितने जल्दी जल्दी ये दूध पी रहा है। फीडिंग बॉटल से भी देखो, हम एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल। वाओ यार, दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। पशु और इंसान में बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं होता, पशु भी उतने ही इनोसेंट होते हैं जितने हमारे बेबीज होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।